हेलो, आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देवियों, सज्जनों, भाइयों और उनकी बन्नो, आ गए हम वापस एक बार फिर से आपके लिए शानदार जानदार नोट्स लेकर। तो भैया, हमने पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता व संस्कृति, जो आपके पटवार, एसआई, एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स में, टीचर वाली, रीट वाली, में सभी में काम आने वाली है आपके। तो भैया, जैसा कि आपको पता है, हम ये आज पढ़ाएंगे, टॉपिक शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता और संस्कृति। तो मैं आपको बता दूं, उससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं, वीडियो बनाए हैं, दो वीडियो बनाए हैं, और आपको वो जाके देखना है फटाफट। मैं आपको वो आई बटन से वो शो करवा दूंगा अभी, ठीक है भैया? पूरा पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आ जाएगा। दुनिया शुरू हुई थी जहाँ से हमें अवशेष मिले थे, वहाँ से सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी हम घटनाक्रम के अनुसार चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का हमने लिखा था कितना, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। उससे पहले कोई जानकारी नहीं है हमारे हमारे पास, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को पहला मानेंगे। अगली अगली जो चीज़ है, आर्यों का जिक्र जो आता है, आर्य कौन थे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ अभी। वैदिक सभ्यता यानी महाभारत महाभारत हुई थी ना, तो तब का ये सीन होगा, और हमें बताएंगे आपको कि कैसे ये कैसे हुआ था, कैसे हुआ, ठीक है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात है। देखिए दोस्तों, अभी हम भारत भारत की चर्चा करते हैं। भारत क्या था पहले? ये कुछ दक्षिण से बनाया भारत, ठीक है? इधर अरब सागर है, ये लीजिए, ठीक है? ये ऊपर अपना जम्मू कश्मीर है, ये कभी भी सीमा बदल सकती है, कभी भी हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं और उसको ये हथिया सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं इसको खुला छोड़ रहा हूँ, कश्मीर को, ठीक है? इधर है ही जो कुछ है, ठीक है दोस्तों। अभी एक चीज़ देखिए, अगर हम ग्लोब की बात करें, है ना, ग्लोब में क्या होता है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, ठीक है? हम उसी की बात कर रहे हैं। ये जो मतलब इधर का इलाका है, ये मध्य एशिया का इलाका है। अगर हम विश्व भर की बात करें तो ये है मध्य एशिया का इलाका, ठीक है दोस्तों? तो एक इतिहासकार, एक बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया जो लेखक हुए हैं अपने, वो हैं मैक्स मूलर साहब। वैसे तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं हम भी, सब कुछ अपना ही है, टेंशन ना लीजिएगा। मैक्स मूलर साहब एक पैदा हुए थे, तो उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करके क्या पाया उन्होंने, उन्होंने पाया कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो चली गई, कब की पता नहीं क्या हुआ उसका, उसके साथ वो तो चली गई, लेकिन उन्होंने जो जिक्र किया आर्यों का, आर्य आर्य शब्द का उन्होंने जिक्र किया। जिक्र कैसे किया उन्होंने, उन्होंने बताया कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया, यहाँ पर एक जाति निवास करती थी कभी किसी ज़माने में, और ज़माना उन्होंने ये बताया था कितना, 1500 से 600 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व के लगभग एक जाति निवास करती थी मध्य एशिया में, और वो जाति क्या करती थी, पशुपालन करती थी, घुमक्कड़ जाती थी, तो एक तरीके से, है ना, घुमक्कड़ थी। तो मतलब घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है छठी सातवीं आठ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि घुमक्कड़ मतलब कि एक जगह नहीं ठहरते थे ज़्यादा वक्त तक वो लोग, यानी एक जगह से महीना भर रुका और चल दिया आगे अपने जानवरों के लेके, तो वो वाली कुछ ऐसे लोग थे। जैसे आजकल हम गाड़ियाँ लोहारों को देखते हैं, वो भी घुमक्कड़ ही होते हैं, है ना, क्या होता है, उनके पास बेल होता है और एक गाड़ी होती है, उसी को लेके चल देते हैं। वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे कहीं भी, तो वही मान लीजिए आप, ठीक है? मध्य एशिया। अभी एक चीज़ देखिए क्या थी, ये इलाका है, सिंधु नदी बहती है ना, बताया था सिंधु नदी, सिंधु नदी की कितनी, सात सहायक नदियाँ हैं, सात सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक इलाका था, काफ़ी हरा भरा इलाका होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सात नदियों के किनारे था सप्त सिंधव प्रदेश। इस जगह का क्या नाम था, यहाँ लिख देता हूँ,
सप्तसेंधव प्रदेश, सिंधु नदी की सात सहायक नदियाँ थी उसी का ये मतलब जमीन थी। बहुत हरी भरी, बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, काफ़ी बहुत शानदार जमीन थी। इसका नाम था सप्तसेंधव प्रदेश, इस जगह का नाम था। ठीक है भैया, अच्छी बात है। तो अभी क्या होता है, मैक्स मूलर क्या बताते हैं, मैक्स मूलर बताते हैं कि ये जो चरवाहे थे यहाँ, ये ऐसे घुमक करते तो ऐसे डेरा डाल डाल के इधर आ गया, इधर आ जाते हैं ये। 1500 ईसा पूर्व की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसा कि मैक्स मूलर साहब ने बताया है। तो ये क्या किया इन्होंने, इन्होंने इधर आ गए, आते गए तो इन्हें एक ज़मीन दिखी। कौन सी ज़मीन थी वो? सप्तसेंधव प्रदेश की ज़मीन थी। अब भैया देखो, सप्तसेंधव प्रदेश था हरा भरा, और क्यों नहीं हवा, क्यों हरा भरा था? क्योंकि भैया देखो, भैया बहुत ही उपजाऊ जगह थी वो, नदी के किनारे था, यानी कि जानवरों के लिए जो जौ, मैं आगे बताऊंगा, जौ उगाते थे ये, जौ की फसल ये उगाते थे जानवरों के लिए। और घुमक्कड़ थे तो कृषि का तो कोई बात हो ही नहीं सकती इनके लिए, है ना। 1500 की बात बता रहा हूँ, कृषि की बात करेंगे बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे इनको जगह दी गई सप्तसेंधव प्रदेश, अच्छी बात है भैया। अभी सप्तसेंधव प्रदेश में क्या होता है, इन्होंने इलाका क्या था, ये कबीले टाइप में रहते थे। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया गाड़िया लुहारों का, एक कबीला होता था इनका, तो ये काफ़ी लोग थे तो कबीले टाइप में होते थे। आ गए सप्तसेंधव प्रदेश पे, आ गए। चलो अब क्या होता है, जिस वक्त ये आए थे 1500 ईसा पूर्व में, तब यहाँ पर जो सप्तसेंधव प्रदेश, यहाँ पर एक जाति निवास करती थी, द्रविड़, राहुल द्रविड़ है ना वैसा कुछ, द्रविड़ नाम की एक जाति निवास करती थी इस इलाके में। ठीक है, याद रखिएगा, द्रविड़ नाम की एक जाति निवास करती थी इस जगह पर। अब होता क्या है, धीरे 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 क्या करते हैं ये लोग, आगे जमीन। अभी देखो, अब दो जातियां, दो ऐसे लोग जिन्होंने एक दूसरे को पहले कभी देखा ही नहीं, वो लड़ाई करेंगे या नहीं? और इतिहास में तो लड़ाई वैसे भी तीन वजह से ही होती है, जर जोरू जमीन, है ना, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, जर जोरू, जोरू का गुलाम बन के रंग, और जमीन। जर यानी क्या होता है, सोना, जोरू यानी आप जानते ही हैं, जो आपकी होगी नहीं, वैलेंटाइन डे मना लिया होगा ना, खैर कोई बात नहीं, और जमीन, जमीन आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूं, है ना, वो वाली जोरू। तो इन्हीं वजह से लड़ाई होती थी, खैर कोई बात नहीं, अपना लेना देना नहीं है, लेना देना बाद में आएगा उससे। अब क्या होता है, दो अलग अलग तरह के लोग हैं, एक द्रविड़ है जो यहीं पर खेती करते हैं, यहीं पर गुजर बसर करते हैं, यानी स्थायी निवासी हैं यहाँ के, और एक है ये मध्य एशिया वाले चोर आर्य, है ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैक्स मूलर के हिसाब से तो चोर ही हुए अपनी ज़मीन यहाँ पर। अब उनसे, द्रविड़ों से संघर्ष किया इन्होंने, संघर्ष का मतलब क्या, लड़ाई की। लड़ाई में क्या हुआ, ये पशुपालन करते थे, बढ़िया शरीर वरीर के थे, 6-6, 10-10, 7-8 फीट के लंबे चौड़े, बढ़िया मोटे ताजे हैं, और ये द्रविड़ बेचारे ये थोड़े हल्के रह गए होंगे, तो इनको हरा दिया, द्रविड़ों को इन्होंने हरा दिया। और ये द्रविड़ कहाँ शिफ्ट हो गए फिर, ये सप्तसेंधव प्रदेश से ये दक्षिण में शिफ्ट हो गए। आज भी अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में अधिकतर लोग द्रविड़ हैं, उनके नाम भी आपको जैसे क्या बताऊँ, नाम भी ऐसे ही हैं उनके, यानी असली हिंदुस्तानी तो वो है। कोई आपको कहे कि आप तो आर्यों की संतान है, तो यानी विदेशियों की संतान, तो अच्छा थोड़ा लगता है ना। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, होता क्या है। तो अभी आ गए ये मध्य एशिया से, इधर आ गए सप्तसेंधव प्रदेश, यहाँ से द्रविड़ों से लड़ाई की और द्रविड़ों को इधर धकेल दिया। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर डेरा जमा लिया, भैया डेरा जमा लिया सप्तसेंधव प्रदेश पर, धीरे धीरे इनका कबीला बढ़ता गया, है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये जो आर्य शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है श्रेष्ठ, यानी बेस्ट, श्रेष्ठ, और या फिर इसको बोलें कुल,
कुल यानी परिवार। आर्य शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ, और या फिर बोलें तो कुल। ठीक है, मैक्स मुलर बताते हैं ये लोग। अब ये क्या थे, 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है ये, और ये घुमक करते, पशुपालन करते थे। ठीक है भैया, अब देखिए, मैं जैसा बता रहा था कोई आपको विदेशियों की औलाद के, यानी हम तो उत्तर भारत के हैं, मैं जैसे हम राजस्थान से हूँ मैं, और आप अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो कोई उत्तर भारत से है, ये उत्तर भारत है दक्षिण भारत, तो कोई कह दे आपको कि आप तो विदेशियों की संतान है साहब, तो भैया दिल पे लगेगा ना बात है। तो इसका इसका देखिए क्या उपाय किया गया, उपाय नहीं, ये हमारे एक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही शानदार उच्च प्रतिभा के धनी, क्या कहूँ इनके बारे में, बहुत 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 शानदार आदमी थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक किताब लिखी, क्या लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, भैया किताब लिखी, और किताब में इन्होंने क्या जिक्र किया, जिक्र किया कि देखिए मैक्स मुलर साहब, आपने बताया आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के, ठीक है, आए आपने, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि मैक्स मुलर साहब ने कहा कि आर्य घुमक्कड़ थे, ठीक है भैया मान लेते हैं, मैक्स मुलर साहब ने कहा कि आर्य पशुपालन करते थे, पशुपालन कर पालक थे, ठीक है अच्छी बात है। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश पर कब्जा कर लिया, यानी सप्त सिंधु प्रदेश पर द्रविड़ों से लड़ाई कर ली और अधिकार जमा लिया, तो भैया ये भी ठीक है। ये बोले आर्य मध्य एशिया से आते थे तो वो गोरे थे, ये भी ठीक है भैया मान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं कि सब बातें ठीक है आपकी, आपकी ये सब बातें ठीक है, पर ये बात ठीक नहीं है कि वो मध्य एशिया से थे, ये बात ठीक नहीं है बस। तो इन्होंने क्या कहा कि मध्य एशिया से क्यों नहीं थे और कहाँ से थे, उन्होंने बताया कि ये इलाका है, कहाँ का इलाका, उत्तरी ध्रुव, भारत का ये उत्तरी ध्रुव है, ये है ना, यहाँ यहाँ से कुछ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ के निवासी थे। अब उत्तरी ध्रुव में क्या है, ठंड पड़ती है, रशिया आ जाता है ऊपर थोड़ा, है ना, समझ रहे हैं आप, रशिया चाइना वहाँ पर ठंड पड़ती है थोड़ी, उत्तरी ध्रुव, हम भारत का उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ठंड पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव के, भारतीय भारत के उत्तरी ध्रुव के थे, और फिर वो यहाँ से सप्त सिंधु प्रदेश आते हैं, घुमक्कड़ थे, पशुपालक थे, इस वजह से सप्त सिंधु प्रदेश, यानी ठंड बड़ी होगी थोड़ी, तो ये थोड़ा नीचे आए होंगे, फिर यहाँ पर जैसे कुल्लू मनाली हिमाचल में ठंड पड़ी तो फिर और नीचे आए होंगे, फिर जैसे इधर और थोड़ी ठंड पड़ी ये और इधर नीचे आ गए होंगे, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में आ गए होंगे, द्रविड़ों से लड़ाई हुई होगी और इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया होगा सप्त सिंधु प्रदेश पर, तो ये है सीन। तो ये चीज़ कौन कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, कौन सी किताब में, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये सब सीन है दोस्तों भाई और उनकी बहनों। अब देखिए होता क्या है, वैदिक सभ्यता व संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर आर्य हैं, इनमें परिवार का मुखिया कौन है, पिता है, और पिता कैसे है, जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया, आपने गाड़िया लुआरों को देखा होगा, गाड़िया बोलो, गाड़िया लुहारों को देखा होगा, यानी कि गाड़िया लुहार क्या करते हैं, कौन होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, गाड़ी लिया लुहार कौन होते हैं, घुमक्कड़, इधर ले जा रहे, गाड़ी लुहार कौन है, घुमक्कड़ है, पशुपालन भी कर लेते हैं शायद, कर लेते हैं,
है। और गाड़ियाँ लोहा, वो खेती नहीं करते भैया, खेती करने क्योंकि वो एक जगह ठहरते नहीं हैं ज़्यादा दिन तक, है ना। तो और कबीले के टाइप में रहते हैं, कैसे रहते हैं, कबीले में रहते हैं, है ना। यही सब बातें आर्यों पर भी लागू करके देखें तो क्या होता है कि ये भी ऐसे ही गुजर बसर करते होंगे आर्य भी, है ना, यही निकलता है इनके सबका अर्थ। तो इनमें अभी देखिए एक एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसे गाड़ियाँ लोहार होते हैं, उनके परिवार में क्या होता है, बाप कोई काम नहीं करता, उसकी जो वाइफ है वो थोड़ा बहुत कर लेती है घर का, बाकी जो बच्चे हैं वो बच्चों को अभी झुमा देगा, वो कहाँ पर झुमा देगा, एक बच्चा है उसको बोल देगा जाओ जा बेटा लेके आ, कुछ लेके आ खाने के लिए लेके आ, है ना, तो वो उसको बेच देगा, ठीक है। फिर बोलेगा दूसरे बच्चे को कि जा कुछ कमा के लेके आ, कुछ पैसे वैसे कुछ काम करके आ लेके आ पैसे, और लेके आते हैं वो लोग, कमाते हैं थोड़ा बहुत, है ना, काम करके। और फिर क्या होता है, बस वो अपने शाम तक का जुगाड़ कर लेते हैं। कौन सा जुगाड़, देसी वाला ठर्रा, कौन सा, घुंगरू, कौन क्या क्या नाम होते हैं, घुंगरू मदिरा क्या क्या जो भी है, उसका जुगाड़ हो जाए, इतना सा काम करते हैं वो दिन में। और फिर रात को सोते हैं तो सुबह ये सोच कर उठते हैं कि आज शाम का जुगाड़ कर लेंगे कैसे भी करके, बस इतना सा ही है, फ्यूचर की नहीं है उनको चिंता, है ना। तो यही सब चीज़ है भैया, यही सब चीज़ हम आर्यों पर भी लागू करें, ठीक है। अब क्या होता है कालांतर में धीरे धीरे, यानी पिता मुख्य है, मैं बता रहा था पितृसत्तात्मक है ये चीज़, यहाँ पर पितृसत्तात्मक है ये, वैदिक सभ्यता और संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, आर्यों में क्या है पितृसत्तात्मक है ये। दूसरी चीज़ लौह युगीन, लौह युगीन कैसे मैं आपको बताऊंगा, हम बात कर रहे हैं 1500 ईसा पूर्व की, एक वक्त आएगा 1000 ईसा पूर्व, यहाँ पर हमको लोहा मिलेगा भैया, तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगली चीज़ है ग्रामीण सभ्यता, अभी ये देखिए कबीले में रहते हैं, ये पशुपालन करते हैं, ये घुमक्कड़ हैं, तो ये कैसी सभ्यता हुई, आप ये सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पर समांतर पर काटी हुई सड़कें मिलती है हमको, घर जो है वो बाजू में मिलते हैं और उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते, लेकिन यहाँ पर क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, कबीले टाइप में रहते थे, घुमक्कड़ थे, खेती नहीं करते थे, पशुपालन करते थे, तो ये सब इन्होंने बनाया हुआ था माहौल, और ये क्या करते थे, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स लिखिए, ठीक है। अब हम आते हैं अगली चीज़ पर, अगली चीज़ कौन सी चीज़, अगली बात कौन सी बात, अगली बात, अगली बात पर हम आते हैं, लीजिए अब हम अगली बात पर आते हैं, ठीक है। अगली बात कौन सी बात है, अगली बात यह है कि हमने इस चीज़ को, किसको, वैदिक सभ्यता और संस्कृति को कालक्रम के आधार पर दो भागों में बांटा है। कालक्रम कौन सा भैया, बता देते हैं आपको, ये लीजिए, अब हम इसको वैदिक सभ्यता और संस्कृति को कालक्रम के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग कौन सा है, ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक सभ्यता संस्कृति 1500 ईसा पूर्व, हम एक चीज हम मैंने बताया था लौह युगीन सभ्यता थी, कैसे थी अब बताता हूँ आपको, 1500 ईसा पूर्व इसकी पूरी काल अवधि है। अगली चीज ऋग्वैदिक काल, ये था 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, ठीक है, यानी शुरुआत जहाँ इनका जिक्र मिलता है वहाँ से। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या थे, ये घुमक्कड़ थे भैया, बता दिया मैंने, पशुपालन करते थे, गाय का जिक्र होएगा अभी मैं बता दूंगा, लाल व काले रंग के मृदभांड, मृदभांड क्या थे, मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उन पे लाल काला कलर वैसे मांडने मांड देते थे ये, वो उसे मृदभांड बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, ये घुमक्कड़ थे, पशुपालन करते थे, लाल और काले रंग के मृदभांड का यूज करते थे, ठीक है। अब एक वक्त आता है 1000 ईसा पूर्व, है ना, 1000 ईसा पूर्व,
जगह थी उत्तर प्रदेश का एटा जिला, उस एटा में कौन सी जगह थी, अतिरंजन खेड़ा नामक स्थान, वहां पर क्या मिलता है हमें, लोहा, लोहे की जानकारी हमें मिलती है कहाँ पर, अतिरंजन खेड़ा जिला एटा यूपी उत्तर प्रदेश में हमें लोहे की जानकारी मिलती है 1000 ईस्वी में। ठीक है, तो अभी देखिए ये लोहा मिल गया, तो अब लोहे का क्या करेंगे, लोहे का उपयोग करेंगे ना, तीर कमान बाण जो भी कुछ बनाते हैं, तलवार वलवार, पहले किससे लड़ते थे, तीर कमान से लड़ते थे, अब किससे लड़ेंगे, अब इससे तलवारों से लड़ेंगे, वही चीज़ है। लोहा मिला, इनकी जीवन शैली चेंज हो गई, तो उस जीवन शैली को हम डालते हैं उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व थी। अब इन्होंने जीना सीख लिया था भैया, ठीक है, अब ये क्या करने लगे, स्थायी निवास करने लगे भाई, मतलब एक जगह पर ठहरने लग गए थे। दूसरी चीज़ कृषि की इन्होंने, कृषि किसके लिए, सिर्फ जानवरों के लिए, इनके लिए सिर्फ बियर, बियर नहीं सॉरी, कृषि करते थे ये, कृषि में भी जौ वो उगाते थे, मैं बता दूंगा अभी। अगली चीज़ चित्रित धूसर मृदभांड, अब ये क्या, देखिए एक तो होता है लाल और काले रंग की मृदभांड, एक होता है चित्रित धूसर मृदभांड, यानी चित्र बना के, अलग अलग चित्र, अलग अलग टाइप के चित्र भैया, कैसे कमाल है ना, अलग अलग चित्र उस पर लड़की बना दी, लड़का बना दिया, गाय जानवर कुछ बना दिया, तो उसको बोलते हैं चित्रित मृदभांड, है ना, ये सब चीज़ें उत्तर वैदिक। अब हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, सब कुछ बताऊंगा। अब आपको नोट्स लिखे हैं बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल पर, ऋग्वैदिक काल की आराम से तफली से आराम से चर्चा करेंगे आपके लिए, है ना। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व बता दिया मैंने, घुमक करते पशुपालन करते थे 1000 ईसा पूर्व तक, और लाल काल रंग के मृदभांड का उपयोग करते थे, अच्छी बात है। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, अब यार देखो किसी ने अगर भूगोल पढ़ी है 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में, तो उसको पता है कि, उसको अगर पता भी नहीं है कि क्या लिखना है, तो तीन चार चीज़ें तो सेम ही रहती है। पहली चीज़, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, ये एक दो लाइन तो फिक्स रहती है ना, किसी भी प्रश्न में लिखिए आप। एक चीज़ कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी, अगली चीज़ कौन सी है, आर्थिक स्थिति, ये टॉपिक आपको याद होंगे, टॉपिक याद भी नहीं है तो ये टॉपिक बना के आप लिख दीजिए, कुछ भी उसमें सही माना जाएगा आपका, है ना। तो हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के, 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, और राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ऋग्वैदिक काल के लोग छोटे छोटे कबीलों में निवास करते थे, जैसे शुरुआत में बताया था कबीलों में रहती थी ये लोग, और जिन्हें जन कहा जाता था। अब देखिए जन का मैं बताता हूँ आपको, जन कहाँ से आया है, ये जो जन शब्द है, ये जन आगे चल के हमको ये महाजन बन जाएगा, नहीं आगे चल के ये जनपद बन जाएगा, यूपी और बिहार, यूपी में काफ़ी जनपद है ना, और फिर ये आगे चल के महाजनपद बन जाएगा, यानी पहले क्या था कबीला, थोड़ा और बड़ा कबीला हुआ, फिर और बड़ा, बहुत बड़ा कबीला हो गया भैया, साम्राज्य हो गया, ऐसा था ये। जन का जिक्र मैं आपको बताऊं, आगे मिलेगा आपको, हमें देखिए वैदिक सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती कहाँ से, वेदों से मिलती है, जाहिर सी बात हमने हम पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे, है ना, पढ़ाएंगे फिर कभी। तो देखिए जन कहते थे ये लोग, कबीलों में निवास करते थे जिन्हें जन कहते थे, ठीक है, और जन का मुखिया कौन होता था, राजा होता था, जिसके द्वारा उपाधियां धारण की गई थी, कुछ तीन उपाधियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन आ सकता है इस बार, रेलवे एसएससी एनटीपीसी रीट वीट सीट मीट जो भी है ना, सभी में क्वेश्चन आ सकता है भैया। देखिए राजनीतिक स्थिति वापस बता देता हूँ, ऋग्वैदिक काल के लोग छोटे छोटे कबीलों में निवास करते थे जिन्हें जन कहा जाता था, और जन का मुखिया राजा होता था, यानी कि राजा क्या है, राजा की जैसे पितृसत्तात्मक है, तो परिवार का मुखिया कौन हुआ, राजा, परिवार का मुखिया कौन हुआ, पिता, पिता को क्या बोलते थे, ये राजा। देखिए मैं आपको एक चित्र इसके माध्यम से बताता हूँ, कबीलों में निवास करते थे, कबीलों को क्या बोलते थे, जन, जन का मुखिया कौन होता था, राजा, और ये क्या था, पिता,
पिता पिता को राजा बोलते थे, यानी जन का मुख्य, ये पितृसत्तात्मक थी तो, और ये जन का मुखिया कौन होता था? राजा, है ना। अब ये राजा को तीन उपाधियां दी गई थी, कौन कौन सी थी? पहली ये देखिए यहाँ पर, जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। दूसरी है विषामता, और तीसरी है गोपति। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इन नामों में, अब देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे से, जनस्य गोपा, विषामता, गोपति। इसमें गाय गाय का यहाँ पर अर्थ आ रहा है थोड़ा, गोपा, जनस्य गोपा, लोग, काफ़ी अच्छा शब्द है जनस्य गोपा। ये उपाधि थी, अर्थ वर्थ क्या होता होगा पता नहीं, ठीक है। ये उपाधियाँ याद रख लीजिएगा, जनस्य गोपा, विषामता, गोपति। प्रश्न आ सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगली चीज़ हम बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल में राजा के द्वारा अपने शासन के संचालन हेतु संस्थाएं व अधिकारी नियुक्त किए गए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हर बार की तरह आता है। क्या क्या संस्थाएं थी उनकी, क्या कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वो सब मैं आपको याद करा देता हूँ। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इनकी, ऋग्वैदिककालीन संस्थाएँ। पहली संस्था थी भैया सभा। अब सभा क्या होती है, देखिए महाभारत देखी होगी आपने, तो उसमें राजसभा होती थी एक, उसमें कौन कौन थे? स्त्री पुरुष सभी शिरकत करते थे, जो सभी आर्य, मतलब जो आर्य थे उनमें स्त्री पुरुष सभी शिरकत करते थे, वहाँ पर भाग लेते थे। तो वही है, ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। सभा का ऋग्वेद में 7 बार उल्लेख हुआ है भैया, ऋग्वेद। अब देखिए हमको जानकारी कहाँ से मिली? वेदों से, वेदों से ही हमने ये अंदाज़ा लगाया कि कैसे क्या हुआ करता था वहाँ पर। 7 बार सभा की जानकारी मिली है हमको, है ना। तो ये याद रखिएगा, पहली संस्था कौन सी थी? सभा, सबसे प्राचीनतम संस्था थी ये। अगली चीज़ समिति, जैसा कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज भी वही व्यवस्था है, बस उनका नाम थोड़े अलग अलग कर दिए गए हैं, लेकिन हम बस हमें याद क्या रखना है, पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है। सभा, सभा में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे, ठीक है भैया। सबसे प्राचीनतम संस्था थी आर्यों की, ये बहुत बढ़िया बात है। और सभा का ऋग्वेद में 7 बार उल्लेख हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा। अभी समिति, समिति क्या होती है? ऋग्वैदिक कालीन विशिष्ट लोगों की संस्था थी समिति। देखिए विशिष्ट लोग थे समिति में सिर्फ, जैसे हम देखिए एक समिति बनाते हैं जिसमें बता दिया कि आपका ये काम है, जिसमें हमने बताया कि जैसे एक आदमी को कहा कि आप ज़मीन का काम संभालेंगे, दूसरे को बता दिया कि आप हमारी सैन्य व्यवस्था देखेंगे, एक चीज किसी और को बता दिया कि आपको धर्म का ज्ञान देना है सभी को। तो ऐसा ऐसा समिति थी, विशिष्ट लोगों की समिति होती थी, तो जिसका प्रमुख कार्य राजा का निर्वाचन व सलाह प्रदान करना था। यानी राजा को सलाह देते थे ये लोग और राजा का निर्वाचन करते थे। राजा ऐसे नहीं है कोई बन गया, ये समिति तय करती थी कि राजा कौन बनेगा, कर्म के अनुसार बनेगा राजा, है ना, वो चीज़ थी यहाँ पर। और ऋग्वेद में समिति का जिक्र 8 बार है, 8 बार उल्लेख है समिति का ऋग्वेद में भैया। तो देखिए भैया कितना शानदार ये काम था इन्होंने किया था, और ये भैया बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। अगली जानकारी जो मिलती है हमें संस्था की, वो है विदत। विदत ये जनसामान्य लोगों की संस्था थी जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है भैया, 122 बार। अब देख लीजिए आप कितना शानदार काम था ये, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, लेकिन पहले प्रमुख राजनीतिक अधिकारी पढ़ लेते हैं, प्रमुख राजनीतिक अधिकारी कौन कौन होते थे, ठीक है। प्रमुख राजनीतिक अधिकारी कौन थे? पुरोहित, जिसे कुलगुरु भी बोल सकते हैं हम शायद, कुलगुरु, कुलगुरु, जैसे कुलगुरु कृपाचार्य थे, वैसे ही इनमें भी कुछ रहा होगा, रहा होगा क्या, ये भी तो आर्य ही थे, है ना। तो ऐसा धर्म का ज्ञान बांटते थे वो, है ना, कुलगुरु थे वो। अगली चीज़ सेनानी, सेनानी यानी कि सेनानी यानी सेनानी होता होगा, वही होता होगा जो भी। अगली चीज़ ग्रामणी, ग्रामणी को क्या बोलते थे? राजकर्तार भी बोलते थे, और ये क्या होता था? आर्यों के लड़ाकू दल का नेता होता था, आर्यों के लड़ाकू दल का नेता होता था, यानी हम इसे सेनापति बोल सकते हैं, है ना,
सिंपल भाषा में सेनापति भी बोल सकते हैं। ठीक है भैया, अब वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। टोटल 9 नाम याद रखने अपने को राजनीतिक स्थिति में ऋग्वेदिक काल में। कौन कौन से हैं? कबीलों में निवास करते थे आर्य, और जिन्हें जन कहा जाता था, जन का प्रमुख राजा होता था। राजा के लिए 3 उपाधियाँ थी, कौन कौन सी थी? जनस्य गोपा, विश्वामता, गोपति। ठीक है, संस्थाएं इन्होंने बनाई थी 3, कौन कौन सी? पहली थी सभा, जो कि सबसे प्राचीनतम, आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे, और ऋग्वेद में इसका 7 बार जिक्र है, अच्छी बात है। समिति, समिति में क्या होता था? विशिष्ट लोगों की संस्था होती थी। ये राजा का निर्वाचन करती थी और सलाह प्रदान करती थी, राजा को सलाह देती थी। तो ये समिति क्या थी? विशिष्ट लोगों की संस्था थी। ऋग्वेद में समिति का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगली चीज़ है विदत। विदत ही जनसामान्य लोगों की संस्था थी, जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है, यानी जो प्रजा थी उसका उल्लेख हुआ है 122 बार ऋग्वेद में। 6 नाम हो गए, कौन कौन से? जनस्य गोपा, विश्वामता, गोपति, और सभा, समिति, विदत। ठीक है, अगले 3 नाम, प्रमुख राजनीतिक अधिकारी पुरोहित था, कुलगुरु जिसे बोल सकते हैं, सेनानी था, और ग्रामीणी राजकर्ता या सेनापति जिसे हम बोल सकते हैं, आर्यों के लड़ाकू दल का नेता होता था। ठीक है भैया, अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। हम ऋग्वेदिक काल में ही चल रहे हैं अभी, है ना, आर्थिक स्थिति की। अब इनका प्रमुख कार्य क्या, मैंने बताया था आपको, पशुपालन, पशु पालते थे भैया। मुख्य पशु कौन सा था? गाय, गाय इनका मुख्य पशु था। ऋग्वेद में गावी माता कहा गया है इसे, गाय को गावी माता कहा गया है। जैसे हम गोमाता बोलते हैं ना, वो गावी माता होता है ना, तो ऋग्वेद में से गावी माता बोला गया है। ठीक है भैया, दूसरा प्रमुख व्यवसाय कौन सा था इनका? कृषि, कृषि था। कृषि क्या था? प्रमुख फसल कौन सी थी? यव, यव, या जिसे आज हम जौ बोलते हैं। अब जौ का क्या है भैया, देखिए क्या होता है, ये एक जगह ठहरते नहीं थे वैसे। अब जैसे बारिश का मौसम आया, बारिश के मौसम में कहीं तो ठहरना पड़ेगा ना इनको, हैं, कहीं तो ठहरना पड़ेगा भैया। तो भैया कैसा, कैसे ठहरते थे ये? ये ठहरते थे बारिश के मौसम में। अब महीने 2-3 महीने तो बारिश होती है ना, 3 महीने मान लीजिए, उस टाइम पता नहीं कहाँ कब कैसे रहती होगी बारिश। खैर, ये जौ के दाने बिखेर देते थे, और जो अब 2-3 बार अब रोज़ाना पानी मिल रहा है फसल को, तो जल्दी बड़ी हो गई ना, जो 15-20 दिन में बढ़िया पक पका के बढ़िया तैयार हो जाती थी, जिसे ये गाय को खिला देते थे। गाय इनका प्रमुख पशु था भैया। तो ये आर्थिक स्थिति थी इनकी। अगली चीज़ आपको बताता हूँ, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, अब समाज में क्या होता है देखिए, अब मैं बहुत अच्छा उदाहरण देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। सामाजिक स्थिति, ऋग्वेदिक काल में समाज का मुख्य आधार वर्ण व जाति था, है ना। देखिए भैया होता क्या है, वर्तमान में क्या है, घोर कलयुग है भैया, घोर से घोर कलयुग है। देखिए वर्तमान में समाज का आधार क्या है, आय, जिसके पास पैसा है वो बुलंदियों की ऊंचाइयों पर है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो हीन है, उसे हीनता के नज़रों से देखा जाता है, वो जैसे कि उसका कोई सम्मान ही नहीं है। ये है, पैसा है उसके जी हुजूरी करेंगे लोग, पैसा नहीं है उसके धक्के धिक्कार करेंगे, हैं, यही सीन है। अब देखिए, जैसे एक बेचारा गरीब आदमी शाम को काम करो करो आके आता है, और थोड़ी बहुत शराब पी लेता है एक आध पौवा, तो उसे बोलेंगे नशेड़ी है साला। और वैसे ही एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ शहजादा, हैं, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, वो क्या होती थी, क्या होती है, क्या है वो, बढ़िया रोजाना दबा के दारू पीता है, तो बोल देते हैं कि लोग क्या बोलते हैं कि अरे शौक से पीता है इसे, कोई ये कोई वैसे थोड़ी पीता है, शौक से पीता है ये तो। हाँ भैया सही है, हम पिए गलत, तुम पियो सही, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है ना, हम चूती हैं हम, है ना। तो भैया ये होता है हमारा समाज, समाज भैया पूरी तरीके से बदल चुका है, ये वो समाज नहीं है। हमसे बढ़िया तो आर्य थे, जो वर्ण के आधार पर बंटवारा करते थे। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता था वहाँ पर, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता था भैया। देखिए वो क्या करते थे, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या सीन होता है। वर्ण, 4 वर्ण थे, कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, सही लिख लीजिएगा,
क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र। ठीक है, ब्राह्मण कौन होता था? जिसको अच्छा खासा ज्ञान होता था वेदों का, मतलब ऐसा दीन और दुनियावी ज्ञान पूरा होता था, वो ब्राह्मण होता था। क्षत्रिय कौन होता था? जो कि मतलब शक्तिशाली है, बढ़िया अस्त्र, बढ़िया शरीर है, लड़ सकता है वो, है ना, वो क्षत्रिय होता था। वैश्य कौन होता था? व्यापारिक बोलते हैं। शूद्र होता है जो ऐसे गंदी हरकतें करता था, गंदी हरकतें जैसे शराब पीता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, ऐसा कुछ, उसे क्षुद्र बोलते थे। या जैसा कोई नीच काम कर देता था उसे क्षुद्र बोलते थे। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं था। देखिए भैया, अभी अभी का माहौल क्या है, पंडित जी का बेटा है, पंडित जी का बेटा है, और वो भैया आप देखिए दारू पी के चाहे शाम को फेरे करवा रहा है, तो फिर भी वो ब्राह्मण ही है। ये सीन है अभी का। यानी जन्म के आधार पर हम ब्राह्मण बन चुके हैं, जन्म के आधार पर हमने बंटवारा कर दिया है समाज का। तो भैया ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, पंडित जी का बेटा है, ब्राह्मण है, लेकिन उसके काम ब्राह्मणों वाले नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो उसे क्षुद्र में डाल देते थे, ऐसा होता था। क्षत्रिय, अक्षत्रिय, आज के ज़माने में क्या है, राजपूत, है ना, नाम होता है। तो अगर उसके हाथ ही नहीं है भैया, वो लड़ ही नहीं सकता, तो काहे का क्षत्रिय हुआ भैया, है ना। तो पहले ये नहीं था, पहले कर्म के आधार पर बंटवारा होता था वर्ण का, ठीक है, और आज जन्म के आधार पर होता है। तो हमसे बढ़िया वो आर्य थे जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। अब एक चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ शूद्रों के बारे में, है ना। अब जैसे कि आप कहीं पर आपने कोचिंग देखी, गांव से आए हैं आप, और कोचिंग देखी आपने, बढ़िया, शहर में कोचिंग देख ली, तो अब आप शहर में कोचिंग देख ली, बढ़िया, अब उसके आसपास कमरा लोगे, कमरा किराए पर कमरा लोगे, तो क्या होगा, नाम एक आंटी जी निकल के आएगी, बोलेगी क्या नाम है, कि नहीं पहले क्या करते हो, तो बताएंगे कि भाई कोचिंग करते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ है, भाई नाम क्या है, बता दिया कि जैसे अजय, तो बोले पूरा नाम क्या है। यानी कि उनको हमारी जाति जाननी है। जाति का मतलब ये, जाति देखिए भैया, ये अगर आपने गलती से ही बता दिया ST SC हैं आप, तो भैया आपको कमरा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मिलना। तो ये हालत है अभी हमारे समाज की। खैर, हमसे बढ़िया आर्य थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी थी, उन्होंने बहुत बढ़िया कर्म से, वहाँ पर प्रधान कर्म प्रधान था, गुण था, एक गुण के अनुसार वो काम करते थे, है ना। तो भैया ऋग्वेदिक काल में समाज का मुख्य आधार क्या था, वर्ण व जाति था, ठीक है। अब इस समय वर्ण का निर्धारण गुण कर्म से होता था, जबकि जाति का निर्धारण जन्म पर आधारित था। मैंने बताया आपको ऋग्वैदिक कालीन समाज में विभाजन का दूसरा प्रमुख आधार विवाह था। अब विवाह के बारे में चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, तब तक के लिए रामायण बंद करते हैं अभी, है ना, सॉरी महाभारत चल रहा है ना, महाभारत एक ही बात। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे विवाह का, कि इसमें विवाह, इंटरकास्ट मैरिज जैसे आज हम बोलते हैं उसको, उस टाइम क्या बोलते थे, उस टाइम भी होता था ये इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम, और पहले लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के कम थे, तो दो तीन विवाह भी हो जाते थे, ऐसा था। तो विवाह के बारे में अगली चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, अगले अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और भैया देखिए, ये चीज़ें आपके मैं आपको काफ़ी जल्दी प्रिपेयर कर दूंगा भैया, SSC NTPC रेलवे रीट पटवारी सबके लिए भैया। तो देखते रहिए वीडियो, और दोस्तों को भी दिखाइए, अपनी गर्लफ्रेंड को भी दिखा लीजिए, है ना, कहता हुआ भी नौकरी लग जाए, आपका काम ऐसा हो जाए, है। तो भैया देखिए, चलिए देखिए क्या, अब चलते हैं, विदा लेते हैं, और देखते रहिए हमारा वीडियो, पसंद आए तो करना है, बाकी जो करना है आपको पता ही है क्या करना है। शाम हो चलिए, हम चलने वाले हैं। अब देखिए भैया, देखिए हमारी हालत क्या है, ये देखिए आपका वीडियो कैसे बनाते हैं, है ना, तो थोड़ा रहम कीजिए हम पर, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और देखिए दृश्य दिखा देते हैं बाहर का, बाहर का तो क्या देखिएगा आप, है ना। तो चलते हैं हम, और बढ़िया मोनिटाइज ऑन करवा दीजिए भैया, चलते हैं हम, चलते हैं, बाय बाय बाय।